ठीक है शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ। और लगातार इस कार्रवाई के बाद प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, वो आपको सुनवाते हैं। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां किवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्मकांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। और मेरे पति ओसामा और साहिब को भी मेरे पति ओसामा और साहिब की भी हत्या कर दी जाएगी। मानिए अध्यक्ष, क्या निवेदन करना चाहेंगी आप? हम निवेदन मान्य अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रहे हैं। तो देखिए, आप सरफराज की बहन को सुन रहे थे। सीधे तौर पर फर्जी एनकाउंटर का